माता जय गोपाल। जैसा कि ये मेरे YouTube चैनल का नाम है और मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूँ। आज मैं अहमदाबाद में एक गौशाला है, बहुत अच्छा अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और उसका नाम है गौ कुंज गिर गौशाला। मैं विनय कुमार सिंह, मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ और मेरा नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर नोएडा सेक्टर 22 में स्थित है। जैसा कि आप सब ग्राहकों को और सब भाइयों को पता ही है पहले से कि मैं 8 साल से गाय के प्रति मेरा जो जीवन लगा हुआ है, क्योंकि गाय अगर है तो सब कुछ है और गाय बचेगी तो ये देश और राष्ट्र बचेगा। तो जैसा कि अभी आप बोर्ड पे देखेंगे गौ अमृतम लिखा है। गौ अमृतम मतलब कि गाय अमृत के समान है, उसका गौ उत्पाद है, उसमें आपका दूध आता है, घी आता है, गोबर गौमूत्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक एक चीज़ों को इस बोर्ड के माध्यम से पैम्फलेट या जो पोस्टर इन्होंने लगाया हुआ है विपिन भाई ने, इसमें एक एक चीज़ के बारे में कि दूध का क्या मतलब सेहत के लिए क्या फ़ायदा है, मजबूत दांतों के लिए, हड्डियाँ मजबूत बनाएं, पाचन तंत्र आपका जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो बाहर का आप केमिकल दूध पीते हैं उसमें कॉस्टी सोडा मेलामाइन केमिकल जो फर्श बनाने के काम आता है, हाइड्रोजन केमिकल डाला जाता है, ये सारा केमिकल डाला जाता है, तो वो आपके लिए बॉडी के लिए बिल्कुल हानिकारक है। ये गौ दूध है, ये कांच के बॉटल में पैकिंग आती है और ये 75 रुपये, मात्र 75 रुपये लीटर ये दूध है, बहुत ही अफोर्डेबल है, रीजनेबल है। आम आदमी जो अहमदाबाद शहर में रह रहे हैं, वो साबरमती या अहमदाबाद में, वो विपिन भाई के नंबर पर संपर्क सूत्र पे वो कांटेक्ट करें और इस दूध को 75 रुपये, मात्र 75 रुपये लीटर में आपको प्राप्त कर सकते हैं। और भी बीमारियां जैसे दिल की बीमारी को ख़त्म करता है, मोटापा को घटाता है, सर की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो गिर गाय के दूध की या कोई भी नस्ल हमारे भारत की जो है, कोई भेदभाव नहीं करना है, देसी गाय का ही उत्पाद होना चाहिए। और इस तरह से ये आपका ये कांच के बॉटल में गिर गौ घी है आपका, ये आपका 2400 रुपये लीटर घी है, आधा लीटर। मैं विपिन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काफ़ी समय से चल रहा है, तो वो अचानक से आप इस गौशाला के प्रति और गायों के प्रति और इस तरह से ये जो कंसेप्ट आपने इधर बनाया हुआ है, ये कितने साल पहले आया और कैसे आ गया, कुछ इसके बारे में? ऐसे तो क्या है कि हम बाय बॉर्न फार्मर हैं हमारा। अच्छा, जी सब। लेकिन जैसे मैं एज ए आज से 5 साल पहले मैं ऐसे सोचा था, मुझे पहले से लगा तो डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर उसका ज़्यादा था। अच्छा, अच्छा। लेकिन उस टाइम मैंने ऐसा सोचा, एक फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा डेयरी फार्मिंग का करते हैं, बिल्कुल तो उसमें थोड़ा प्रोफेशनली अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक दो डेयरी फार्मिंग देखने गया, एक बफेलो का था, गए तो देखा, फिर गिर गए कि गौशाला में एक जगह गए, ऐसा सोचा फिर देखा ना, तो अलग से ऐसा ही हो गया कि भाई वो नहीं ऐसे, ये अपना अपनी ब्रीड है, अपनी ब्रीड है, तो इसमें ही मज़ा आएगा और आनंद रहेगा। और ऐसे कोई प्रोफेशनली करना है ऐसे नहीं, लेकिन अपने को भी एक पहले से ऐसा थिंकिंग था इसकी सेवा होए और इसका जो दूध है जो है वो आम आदमी कम दाम में अफोर्ड कर सके, और इसके हिसाब से ये पूरा सेटअप किया अपने, पूरे 4 से 5 बीघा में है अपना, और बछड़ी बछड़ा मिला के सब 150 के अप हो गए, तो 150 आपके यहाँ पे जो देसी गौ माता है उसमें आपकी ये जो गौशाला है गौ कुंज गिर गौशाला के नाम से। गौ कुंज का मीनिंग गाय रहने का एक निवास स्थान। अच्छा, ये वीडियो में आप देखिएगा कि जो मैं कहीं अगर गौशाला में जाता हूँ तो नाम को मैं जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ कि ये क्या सोच के नाम रखा गया, तो गौ कुंज का नाम है कि गाय के निवास स्थान, तो ये गौ कुंज है, ये बहुत अच्छी जगह पे बनाया हुआ है और ये मोटेरा गांव है, गांव ठीक है, तो उसके अंदर में ये गौशाला काफ़ी अच्छी तरह से स्थापित किया है। अब दूसरा सवाल मेरा विपिन भाई से है कि ये गौशाला की स्थापना कौन से साल में, कौन से ईयर में हुई? गौशाला हमने बनाई थी 2070 में, 11वें महीने में पहली गाय लाए थे। हाँ, उसमें से हमने तीसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे बहुत ये किसान भाई लोग ये हमारा वीडियो देखते हैं और भी बहुत लोग हैं जो गौ माता से जुड़े हैं, गौ भक्त भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं जैसे सोचते हैं कि हमारे मन में कि डेयरी फार्म गिर गाय की हम खोलें, तो कितना ये सही है या गलत है कि अगर एक डेयरी फार्म चलाएं हम तो हमें मुनाफा कब से है, कौन से साल से है, कितने बाद घाटा वो ख़त्म होगा, ऐसा कुछ थोड़ा सा? सपोज अपने पास 10 गाय है
10 गाय परचेज की आपने, 10 गाय का एवरेज पूरे साल का 2000 लीटर दूध रहेगा लैक्टेशन पीरियड एक गाय का। अच्छा जी। हाँ, जो सपोज गाय भी आई और फिर से जब उसको ड्राई पीरियड आए तो उसका पूरे साल का उसका 2000 लीटर दूध होना चाहिए, पूरे साल का होना चाहिए। हाँ, वैसे 1800 से 2000 तक का रहेगा आपकी गाय एवरेज। 10 गाय में से ऐसी 2 गाय को 3 गाय गिन लेने की उसका 1200 लीटर ही आएगा। हमको तो मालूम नहीं है कि भाई अंदर कैसा कितना निकलेगा कब, और 5-6 ऐसा करेगी तो एवरेज आपको क्या है कि 2000 आएगा और आपका दूध 75 के आसपास अराउंड बेचते हैं तो पक्का आपको मुनाफा रहेगा रहेगा। और इसमें तो रहेगा बाकी जो उसके गोबर का है जो वो वर्मी कंपोस्ट में इसका जो उपले बोलते हैं वो सब वो कंडे उसको बर्निंग करते हैं तो ऑक्सीजन ही आता है, ऑक्सीजन ही आता है, तो वो सब आप बायो प्रोडक्ट जो अच्छी तरह मार्केट कर सकते हैं तो इसमें मुनाफा 100% है। जो अभी ताली दी आई है वो प्रेग्नेंट होगी, 3 महीने तक इधर रहेगी, 3 महीने के बाद इस सेक्शन में चली। अच्छा, ये सेक्शन। हाँ, अच्छा। वहाँ वो बोलते फूट बोलते वो उसके साथ रहेगा, 3 महीने के बाद उसको मान लो जाएंगे। अच्छा, तो 3 महीने तक का इसका जो होगा वो फूल पीक में होगा, 3 महीने के बाद वो जब बीच में आएगी तो उसके फूल के साथ उसका क्रॉस होगा, फिर वो धीमे धीमे दूध कम रहे, फिर उसके आगे वाला जो बाड़ा है उसमें चली जाएगी। जैसे उसका भी डिलीवरी के बाद उसका आई थिंक 6-7 महीना हो गया, फिर उसमें फिर उसको 2 महीना बाकी होगा जब उसका अब उसका सेकंड बर्थ देने का टाइम आ गया तो उसको लास्ट वाले वो सेक्शन है लास्ट वाला वो उसमें ले जाते हैं, फिर उसको 2 महीना उसका जो खुराक है वो देनेगा, फिर उसको रेस्ट मिलेगा, फिर बाद में वो बच्चा देगी तो फिर इससे आएगा। और ये छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों का है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप गौ माता को सुबह से लेकर शाम तक आपका मतलब क्या आप लोग चारा या जो भी देते हैं इनको खाने पीने का उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? सुबह में हरा चारा देता है। अच्छा, ठीक है। करके तो वो बाहर से आप मंगाते हैं? हाँ, बाहर से, और अपना फार्म है आगे। अच्छा। तो वहाँ से हमने वो घास अपना वो सब किया, जिंजवानी इधर जो जार बोलते हैं वहाँ जाते सुबह में वो देते। अच्छा। फिर शाम के टाइम वो अपना मूंगफली का जो यानी फिर वो जार के ड्राई पूरा बोलते हैं दूसरा वो रखते हैं उसको कटा लिया नहीं वो तो धोने के टाइम जो उसका धोने का टाइम रहता है ना उस टाइम हम उसको वो खली बोलते खली लिया गेहूँ का वो सब अपनी घंटी है इधर अपना वो उसमें वो करके प्रोसेस करके उसको देते हैं। जैसा कि विपिन भाई ने गौशाला के बारे में तो पूरी डिटेल में बताया ही है, आपने कहा कि 150 गाय आपके पूरी गौशाला में छोटी बड़ी करके है। हाँ, अब उसमें से कितनी गाय दूध देती है? इधर गाय तो हमारे पास 60 है। हाँ सर, हाँ उसमें से 5-6 तो मान लीजिए फर्स्ट सेवा के लिए वो दूध नहीं देती कुछ भी नहीं देती पर तो अपने पास 55 जैसी हुई उसमें 40 गाय दूध देती 40 गाय दूध हाँ दूध देती और दूध। तो नितिन भाई, मैं आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ आप अपना नाम बता के अपना नंबर मोबाइल नंबर ही बताएं जिससे आपको डायरेक्ट लोग संपर्क करें ये दूध के लिए घी के लिए, है ना? तो ये बार आप अपना थोड़ा सा जो लोग जैसी गौ माता का गिर गाय का रॉ मिल्क कांच के बोतल में गौ किंग गौ पुंज गिर गौशाला का पीना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते हैं वो किस नंबर पर संपर्क करें वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9081411182। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9081411182। इस नंबर पे आपको संपर्क करना है और यहाँ से दूध और घी को आप अपने घर में डिलीवरी के लिए बोल सकते हैं गौशाला में, यही है। एक और मेरा सवाल है कि जब हम देसी गौ माता का गिर गाय का दूध पीते हैं, आपने तो खैर बचपन से क्योंकि आप गुजरात से हैं तो आप क्या मानते हैं कि गिर गाय का दूध ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी कांकरे साहिवाल के उनमें दूध में मीठापन नहीं होता है, गिर गाय में मीठापन है कांकरेज में नहीं है, या किसी और साहिवाल में या राठी में थारपारकर जो भी इस तरह की बहुत सारी नस्लें हैं, क्या ऐसा कहना चाहिए? इसमें क्या है, दूसरी गाय का तो किया था। अच्छा, फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, जो गाय जिसको हम बोलते हैं वो हो उसका दूध खाने का
फिर इंडिया में तो कोई भी गाय हो, मतलब आपके कहने का मतलब है ये भेदभाव नहीं करना है कि गिर गाय का ही दूध पीना है। क्या है गिर गाय का तो क्या होगा कि वो सब गाय में कांकरेज तो थोड़ी वो तीखी रहती है, तीखी यानी में तेज रहती है वो कांकरेज। हाँ, और ये गाय क्या गिर यानी वो सॉफ्ट बोलती है, वो निर्मल स्वभाव की, इसलिए थोड़ा बहुत ये भी बाकी दूध अपना देसी इंडिजिनस गाय का सब गाय का खाना चाहिए, सबका अच्छा ही रहता है। सूर्य नाड़ी के तो होनी चाहिए, यही है तो सब देसी गाय का दूध अच्छा ही रहता है राजस्थान के लिए, क्योंकि सबका भगवान ने राजस्थान में थोड़ा दूसरा रहता है ऐसे जो देते तो उसके हिसाब से उसकी गाय छोटी रहती है। हाँ हाँ, ये गाय दूध में नहीं चढ़ सकती, बिल्कुल तो वो हाँ जो जो तो बोलते हैं कि जो हर जगह भगवान ने हर किसी को वो एरिया हिसाब से वायु बाकी सबका दूध करके समान है सब गाय का। ये बच्चे सब हम ब्रीड कर रहे हैं अभी, अच्छा ये सब हम अब ब्रीडिंग कर रहे हैं, और इसको पहले तो हम ऐसा नहीं सोचा था लेकिन अब सब सबको ब्रीड करके। हाँ, क्योंकि देखिए गौत पाल के साथ में ब्रीडिंग पे काम करेंगे हम लोग, तभी तो हमारी एक गौमाता आगे बढ़ेगी। दो बुल है, अच्छा एक राज है जो मैं बताता हूँ, सुबह में उनको खाने के लिए बंदा अलग से रखता है। अच्छा अच्छा, ये बीच में ये देखिए थोड़ा सा बहुत ही, ये तो बहुत ऊंचा बहुत बहुत हाँ, उसका नाम राज है, राज ही लग रहा है तो। हाँ, उसका जो साइड में है तो ये बैंक हम साइड में दिले। हाँ, राज और राज। अच्छा ये बताइए इनकी हाइट तो और बुल के मुकाबले ज्यादा लग रही है, वीक है थोड़ी उम्र के हिसाब से, थोड़ा इसका वीक है शरीर। हाँ, बाकी उसका जब वो उसकी यंगेस्ट टाइम में उसका वजन 1100 केजी था। अच्छा, बात कर रहे हैं इसकी बात। हाँ, इसकी चल रहा। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ, इस गौशाला में एक मैंने अद्भुत सी चीज़ देखी है जो हमारे विपिन भाई ने बताया है कि राज नाम है नंदी का, और इनका जब अपने कहते हैं ना जवानी में यंग एज में हम लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये बुल का जो वजन था 1100 किलो, आप सोच सकते हैं 1100 किलो ये वजन का था, अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं, लेकिन 1100 केजी का मैंने बुल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से देख लीजिए। और ये मैं जानना चाहूँगा विपिन भाई से कि ये उन्होंने प्राप्त कहाँ से, किस जगह लोकेशन से किया है, जो ये सुनहरा उन्होंने बुल अपना ये नंदी रखा है अपने गौशाला सेवा के लिए, ओनली फॉर सेवा के लिए। गढ़ा मंदिर हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में गढ़ा मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर का संप्रदाय हमारा जैसे धर्मस्थान है वहाँ से मैंने लिया था। अच्छा, ये ओनली फॉर सेवा के लिए और गौशाला की रौनक बढ़ाने के लिए। अच्छा, विशाल का है ऐसे नंदी को मैंने आज तक नहीं देखा। देख लीजिए, मैंने तो यही महसूस किया है कि जो नंदी गिर की नंदी है, गिर की वो शांत स्वभाव की है, उसको आप छू सकते हो, प्यार कर सकते हो, लेकिन बाकी और में तो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है। ये सब शांत स्वभाव के होते हैं जो गिर प्रजाति की, चाहे वो बैल हो, नंदी हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, गाय। तो आइए वीडियो में एकदम थोड़ा सा एकदम आके बिल्कुल पास से आप दिखाइए एकदम, ये देख लीजिए इस वीडियो में ये राज नंदी हैं जो गौ कुंज गिर गौशाला अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे, साबरमती से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये गौशाला है, और विपिन भाई जी की गौशाला है, और ये अद्भुत विशाल क्या है जो हमारे राज हैं, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से ये गौशाला में सब गायों की बहुत अच्छी देखरेख है, कोई खाने पीने का ऐसा नहीं है कि ढिलाई है, सबकी सेहत बहुत अच्छी लग रही है, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में। ये सब अब एक दो महीने में भी निवाली है सब गाय माता। अच्छा 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 अच्छा, ये पोर्शन उनका है। अच्छा, ये मैं पीछे भी देख रहा हूँ एक नंदी है आपके पास, उसका नाम है चांद चांद चांदा चांद, कुंडल धाम मंदिर है ना। हाँ, कुंडल धाम मंदिर। हाँ, ये देखिए व्हाइट व्हाइट, इसकी बछड़ी सब व्हाइट आती है, जिसको भी व्हाइट बछड़ी लेनी है। हाँ, तो हमारी पूरी ब्रीड करने वाले हैं इसकी हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ब्रीडिंग पे इन्हीं के थ्रू आप काम करेंगे अब। हाँ, भविष्य में। तो ये देख लीजिए, ये चांद है नाम बुल का, और ये गौ माता आ गई हैं।
ये बहुत अच्छा नाम है इसका, कृष्णा। हाँ, 26 नंबर है इसका। सबका आपको चार तीन साल पहले का इसका दूध कितना है, कौन से दिन कितना है, वो सब वो सारा रिकॉर्ड आपके पास है। सब सब सब। तो ये ध्यान से देखिए, ये कृष्णा गौ माता है, गिर गौ माता, और काफी प्यार करते हुए विपिन भाई को, और बहुत अच्छी ये मुझे गौशाला लगी। नाम नंबर सब दिया हुआ है, सब नाम नंबर दिया हुआ है। आदमी हो या जैसे जानवर, किसी को भी नाम तो देना ही चाहिए। तो नाम जब आप देते हैं तो उसके लिए मतलब जो मन में आया वैसे ही दे देते हैं, या कुछ इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक थड़ा या बछड़ी हुआ तो नाम क्या रखा जाता है फिर उनका? उसी से कृष्णा है तो कृष्णा, नहीं नहीं नहीं, उसका अलग नाम अलग से, जब वो बछड़ी तैयार जब आएगी हाँ, तब उसका नाम रखेंगे। अच्छा 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 अच्छा। बाकी तो उनको नंबर दे देते हैं, भाई इसका बच्चा है तो ये 26 नंबर है, तो उसका उसके कान में टैग 26 नंबर का डाल देंगे। तो ये पूरी जो गौशाला है वो 6 बीघा जमीन पर बनी ये गौशाला है, 5 साल पुरानी गौशाला। खाने के लिए क्या है? हाँ, ये खाने के लिए देखिए, एलवीनाइज की प्लेट है, और इसमें हमने जाली जैसा किया है, क्योंकि अंदर जो खेत में से आएगा हाँ, तो उसमें मिट्टी आएगी, मिट्टी आएगा या मिट्टी नीचे गिर जाएगी हाँ, और बिना मिट्टी का मतलब एक तरह से जाली टाइप का छानने वाला आपने ये बनाया हुआ है। तो क्या उनको दस्त बस नहीं होगी, मिट्टी पेट में जाएगी तो दस्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बाकी मिट्टी जो पोर्शन है नीचे चला जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा मतलब सही टेक्नोलॉजी है ये सब, सारे गौशाला वाले खड़े रहेंगे। अच्छा हाँ, और ये गाय ब्रीड की गिर गाय है ना, वो हम बोलते ना कर एक कि आपके साथ दो बार मिले तो आत्मीयता बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, इसका नीचे हाँ, हाँ, ये आप, तो आप सपोज आप 5 दिन आए और इस गाय को आप लड्डू खिलाओगे हाँ, हाँ, और हाँ, फिर आप आओ कहीं भी होगे तो वहाँ खड़े रहोगे तो वो तुरंत वहाँ से देख के आ जाएगी, आ जाएगी। दूसरी गाय आएगी ना तो उसको भी वो भगाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल आप पहली वाली जो आ रही है ना हाँ, 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 उसका नाम मांजरी है, मांजरी, ये तो स्वर्ण कपिला है, ये तो हाँ स्वर्ण कपिला है। ये देखिए सारी गौ माता धूप से के आ रही हैं बाड़े के अंदर। छोटा खूंट है, उसका नाम तेजस है, तेजस ये, हाँ ये सच्चिदानंद त्रिमंदिर है ना, उनकी गौशाला से। अच्छा, सारी गौ माता अंदर आ रही हैं, सब लोग जहाँ जहाँ पे बाड़े में जिस जगह खड़े होके अपना चारा खाती हैं वो अपने जगह पे हैं। गर्मी कोई हरी गई चांदन बताई दिया दीदी, विपिन भाई आपकी गौशाला में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दिया इस वीडियो के माध्यम से, तो कुछ ऐसी भी बात कुछ रह गई है जो मतलब रह गई हो इस वीडियो में दिखाना या बताना, ऐसा कुछ आपके हिसाब से, या आखिरी बार कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? पियो चाहे वो गिर हो, काकरेजी हो, थारपरकर हो हाँ, या लाठी हो, साहिवाल हो हाँ, मंगल हो, जो भी हो, डांगी हो, लेकिन अपनी इंडिजिनस ब्रीड का ही दूध पिए, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और अपने देश के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी जो महत्व अपने देश के लिए जो समझेगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी तो क्या है कि भी सब इसका A2A1 बाकी वो सब अपने को इंडिजिन। हाँ, और एक मैं बोलता हूँ हाँ जी, हमारी गौशाला में सबके ब्लड रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट हाँ, सब गाय का क्या होता है TB हाँ, जेडी हाँ, और ब्रुसिलो हाँ, वो सब जो डिसीज है उनके रिपोर्ट किए हुए हाँ, जो ब्रुसिलो डिसीज है ब्रुसेला डिसीज हाँ, ब्रुसेला हाँ, उसमें क्या रहता है कि उसका दूध खाने से सपोज उसका बैक्टीरिया हम में आ गया, सपोज हमने गर्म नहीं किया या दूध डायरेक्टली खाया या कच्चा दूध पी लिया, सेफ नहीं है हाँ, तो मैंने पढ़ा है, मेरे ऐसे तो वेटरनरी नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ा है सब जगह, तो उसका दूध जो उसके जो ब्रुसिलो डिसीज वाले का है और बिना गर्म या पैचुरेट बीने का खाया हो तो उसमें क्या होता है अपनी फर्टिलिटी में इफेक्ट करता है, जो भी मेन सपोज वुमन मैन या बच्चा पिए तो फ्यूचर में उसकी फर्टिलिटी को वो इफेक्ट करता है। इसलिए आप सब लोग ऐसा तो नहीं करते लेकिन आप पूरा जो इसके हिसाब से चलते हो तो उसका दूध ले तो बहुत अच्छा है। ब्रुसिलो डिसीज का रिपोर्ट किया हो और हमारे गौशाला में एक भी गाय नहीं है जिसको ब्रुसिलो पॉजिटिव है। अच्छा, आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि आप, मैंने ये सुना है कि जो ये गिर गाय होती हैं उसमें थनेला नाम की बीमारी जो है वो ज्यादा होता है, तो ये मैंने जो सुना ये सच है या झूठ है? नहीं, वो रहता है वो, क्योंकि उसका इसका कारण क्या है, इसका थन क्या रहता है थोड़ा बहुत बड़ा रहता है। अच्छा हाँ, अडर बड़ा होता है, ठीक है, अडर बड़ा रहता है, इसलिए उसके थन में सब में रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन 100 में 5 को होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसका प्रॉब्लम रहता है वो।
कुछ ये भी कहते हैं कि जो लोग बाड़े की सफाई नहीं रखते हैं, हाँ, और दूध दूने के बाद थन को धोते नहीं ढंग से, हाँ, या इस तरह से बहुत सारी चीजों को मक्खी पड़ रही है उस पे, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके थन पे, तो इस तरह से भी ये दिक्कत आती है क्या? इंसान हो या फिर पशु, हाँ, सब में इन्फेक्शन कहीं से लगता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमको भी कुछ, हमको बिगड़ा हुआ कुछ अनाज खा ले, फूड खा ले, हमको वैसे इनके नीचे सफाई साफ सुथरा नहीं हो तो भी ये दिक्कत रहती है, बैक्टीरिया उनके अदर से जाए और मस्टाइटिस जैसे फन का प्रॉब्लम वो रहता है। जैसा कि इस वीडियो से मैंने पूरा आपको दिखाया है, इस गौशाला के बारे में पूरी जानकारी भी दिया है, और हमारे विपिन भाई ने अपने इतने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी एक अजनबी इंसान से मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी बहुत सालों से विपिन भाई से दोस्ती है। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा, मेरा तो जीवन का लक्ष्य यही है कि जब तक जिंदा रहूँ मैं किसी भी तरह से गाय के काम आ जाऊँ, देसी गौ माता के, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग हमेशा ये याद रखिए, गिर गौ माता हो या कोई भी नस्ल की देसी गाय हो, उसका दूध घी गोबर गौमूत्र के अपने घर में लाना शुरू करिए, ग्रहण करिए। और मैंने जैसा कि इस गौशाला का संपर्क सूत्र आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, तो जल्दी से आप उस नंबर पर संपर्क करिए, अपने घर में दूध और घी को मंगवाना शुरू करिए जल्दी से। अब मैं अब यही इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और हाथ जोड़ के सबको जय गौ माता जय गोपाल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप उस पर बेल जो घंटी है उसको बजाइए, सब्सक्राइब करिए, आपको सबसे पहले मिलेगा, और गौ माता के उत्पाद से जुड़िए। जय गौ माता जय गोपाल।